दखल न्यूज के मेगा शो दखल प्राइड अवार्ड समारोह में राजनीतिक, मीडिया, कला जगत, चिकित्सा, शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े लोग शामिल रहे। इन विभूतियों ने मंच से अपनी बात सबके सामने रखी। समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और विशेष अतिथि प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह थे। भोपाल के श्यामला हिल्स पर राज्य संग्रहालय सभागार में लीक से हटकर कुछ करने वाले लोगों को सम्मान के लिए चुना गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी क्षमताओं से नई इबारत लिख दी है। इन लोगों ने खुद तो नए सोपान तय किए ही साथ ही समाज में बदलाव की पृष्ठभूमि भी तैयार की। समाज को नई दिशा देने वाले इन महारथियों को दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। समारोह में बात बात में शीरो शायरी हुई तो कविताओं ने मंच पर चार चांद बिखेर दिए। विशेष अतिथि प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर भी प्रतिभाओं की काबिलियत देखकर दंग थे। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है और मैं अपनी तरफ से दखल न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि मध्य प्रदेश की छुपी हुई प्रतिभाएं अलग अलग क्षेत्र की जो जिनके बारे में भोपाल के लोगों को ही पता नहीं होता था, आपके माध्यम से निकल के उनके बारे में पता भी लगा और यही जब प्रतिभाएं बाहर आती हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बहुत बहुत बधाई कार्यक्रम के लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जो भी अलग अलग विधा में जिनका सम्मान हुआ उन सबको बधाई शुभकामनाएं। और इस तरह का सम्मान जो अपने फील्ड के एक्सपर्टाइज हैं हमेशा होते रहना चाहिए और दखल न्यूज़ ने एक नई परंपरा शुरू की है, निश्चित तौर पर उनका हम आभार मानते हैं। दखल प्राइड अवार्ड का सिलसिला शुरू हुआ भारतीय पुलिस सेवा के 1991 बैच के अधिकारी वी मधु कुमार से। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। 2004 बैच के IPS भोपाल के DIG का सम्मान उनके अधीनस्थ अधिकारी निश्चल झारिया ने ग्रहण किया और इरशाद वली की कार्यशैली पर प्रकाश डाला। इरशाद वली वो शख्सियत है, कानून व्यवस्था का पूरा काम जो है भोपाल शहर का जिनके कंधे पर है और उनके जितना कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, मेहनती अधिकारी भोपाल शहर को मिला है भोपाल शहर का सौभाग्य। इस अवसर पर भोपाल के कलेक्टर युवा अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े को भी दखल प्राइड अवार्ड दिया। छत्तीसगढ़ के उभरते राजनेता और सरगुजा राज परिवार से जुड़े आदित्येश्वर शरण सिंह देव को भी दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। उनका सम्मान उनके सहयोगी मिलन जी ने ग्रहण किया। काला पीपल विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और लोकप्रिय युवा नेता कुणाल चौधरी राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किए गए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक सड़क के संघर्ष को जनता ने सदन में पहुँचाया और उस सड़क और सदन के संघर्ष को पहचानते हुए दखल न्यूज़ ने एक अवार्ड दिया, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि दखल न्यूज़ एक जो सच का आईना दिखाने के लिए जाना जाता है और लगातार प्रदेश की पत्रकारिता में एक बेहतर न्यूज़ चैनल के रूप में जाना जाता है। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा और सभी दर्शकों को धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार से एक अवार्ड। देश की पत्रकारिता जगत के चर्चित हस्ताक्षर शिव अनुराग पटेरिया को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, हर सम्मान आपको एक जवाबदारी और देता है कि अब तक आपने जो किया बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कुछ अलग करके दिखाइएगा। ये आपका एप्रिसिएशन भी है और एक आपके ऊपर दायित्व भी है, तो मुझे लगता है ये दायित्व ज्यादा है और जब आप सम्मानित होते हैं तो समाज आपको एक्नॉलेज करता है। दखल ने आपको एक्नॉलेज किया, दखल एक माध्यम है लेकिन समाज ने आपको एक्नॉलेज किया और जब आप एक्नॉलेज होते हैं तो आपकी जवाबदारी और गुरुतर हो जाती है, आपको काम करने का जज्बा मिलता है और जोश भी मिलता है। महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा लिखने वाली शिप्रा में अमृत और बोरा समाज का सफरनामा जैसी चर्चित किताबों की रचयिता पत्रकार अनुराधा त्रिवेदी को उत्कृष्ट पत्रकारिता और सामाजिक योगदान के लिए दखल न्यूज के दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। रावण एक अपराजय योद्धा किताब के लेखक और रावण की अनकही कथा के कारण चर्चाओं में आए युवा पत्रकार लेखक शैलेंद्र तिवारी को उत्कृष्ट पत्रकारिता और लेखन के लिए दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। राम प्रकृति है और रावण जीवन है और यही मेरी पूरी किताब का प्रीफेस की पहली लाइन ही यही है कि राम प्रकृति है, अगर प्रकृति होगी तभी जीवन होगा और जब जीवन होगा तभी प्रकृति होगी, यानी अगर रावण है तो राम भी है और राम है तो रावण भी होंगे और दोनों पूरक है, इनको आप अलग करके नहीं देख सकते हैं, तभी आप दोनों को समझ सकते हैं। पत्रकारों के सम्मान की श्रेणी में दैनिक भास्कर में लगातार 500 से ज्यादा क्राइम की खबरें करने वाले विशाल त्रिपाठी को भी दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। प्रदेश की युवा पत्रकार IND24 न्यूज चैनल के फाउंडर और प्रबंध निदेशक नवीन पुरोहित को भी दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर नवीन पुरोहित ने भी अपने मन की बात सबके सामने रखी। अपन ब्रिटेनिया जैसे कि बिस्कुट हैं सर, 50-50,
वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी, थोड़ा धन भी चाहिए, थोड़ा सम्मान भी चाहिए। अपना सपना मनी मनी नहीं है, अपना सपना हनी मनी है, लेकिन हनी ट्रैप के जरिए भी नहीं। मध्य प्रदेश के जाने माने चिकित्सक, भोपाल के सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध वाशने का मानना है कि सबसे ज़्यादा कीमती पुरस्कार तब मिलता है जब मरीज स्वस्थ और खुश होकर अस्पताल से घर जाता है। डॉक्टर सुबोध वाशने के चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं और सामाजिक योगदान के लिए दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर संजय शर्मा एक जाने माने नाड़ी वैद्य हैं जो हर मर्ज को नाड़ी पकड़ते ही जान जाते हैं। आप गरीबों और असहाय मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं। उत्कृष्ट चिकित्सीय सेवाओं और सामाजिक योगदान के लिए आपको भी दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। डेंटिस्ट एंड स्किन केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिजीत पांडे मेक ओवर कैस्मोडेंटल के CEO और संस्थापक हैं। आप खराब से खराब चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। आप दंत चिकित्सा के साथ साथ कॉस्मेटोलॉजी लेजर विशेषज्ञ भी हैं। उत्कृष्ट सेवाओं और सामाजिक योगदान के लिए आपको भी दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप अग्रवाल को भी 2020 का दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। समारोह के मंच पर डॉक्टर्स के अलग अलग रंग भी सामने आए। जिसको ढूंढ रहे हो तुम उसको बाहर मत ढूंढो, मन के अंदर ढूंढो, प्रीतम प्यारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सम्मान की श्रृंखला में कई रोचक पड़ाव भी आए जहां राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले एक दूसरे का सम्मान करते नजर आए। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान से ग्रेजुएट और प्रसारण पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री रजनीश अग्रवाल को उत्कृष्ट राजनीति और सामाजिक योगदान के लिए दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, दखल नेट का, अनुराग जी का, सैफ अली जी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। निश्चित तौर पर जब कोई समाचार संस्थान किसी प्रवक्ता को सम्मानित करे तो गौरव का अनुभव तो होता ही है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां इस नाते बढ़ जाती हैं, क्योंकि प्रवक्ता के लिए तो समाचार संस्थान और दखल न्यूज़ जैसा जो आज के डिजिटल युग, मॉडर्न युग में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ में प्रसार करने वाला दखल नेट, वो एक माध्यम होता है जनता के पास में, जनता के बीच में आपकी बात पहुंचाने वाला, वो आपको सम्मानित करे तो निश्चित तौर पर गौरव की अनुभूति है। दखल नेट यूं ही ऐसे ही समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर जाति पंथ मजहब के बीच में अपना दखल देता रहे। दखल न्यूज़ का साहित्य जगत में भी पर्याप्त दखल है, इसलिए दखल प्राइड अवार्ड के मंच पर साहित्य चर्चा भी हुई। बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के सचिव और निदेशक श्री महेश सक्सेना को सम्मान दिया गया तो सभागार तालियों से गूंज गया। ऐसे में देश प्रेम के जज्बे से भरे हुए बुंदेलखंड इलाके के युवा कवि सुमित ओरछा को दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। कवि सुमित की कविताओं ने उपस्थित जनों को जोश से भर दिया। प्रश्न अभी तक दबे हुए जो उनको खोल रहा हूँ, जन्मभूमि के स्वाभिमान की भाषा बोल रहा हूँ, छत्रसाल के बाहुबल की शक्ति बोल रहा हूँ, रानी कुंवर गणेशी की मैं भक्ति बोल रहा हूँ, संसद में संकट में भी समाधान की वाणी बोल रहा हूँ, मुझे गौर से सुनना, मैं राजधानी बोल रहा हूँ। राजधानी मतलब ओरछा की मैं बात करता हूँ। मुझे गौर से सुनना, मैं राजधानी बोल रहा हूँ, बलिदानों की अमर प्रथा बलिदानी बोल रहा हूँ, युगों युगों की शाश्वत अमर कहानी बोल रहा हूँ, स्वाभिमान के मानदंड का मानी बोल रहा हूँ, वीर धारा बुंदेलखंड का पानी बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।